सनातन धर्म में सिर को प्रणाम नहीं करते, सनातन धर्म में कंधों को प्रणाम नहीं करते, सनातन धर्म में हाथों को प्रणाम नहीं करते, सनातन धर्म में घुटनों को प्रणाम नहीं करते, सनातन धर्म में जंघा को प्रणाम नहीं करते, सनातन धर्म में पीठ को प्रणाम नहीं करते, सनातन धर्म में अगर प्रणाम करते हैं तो केवल चरण को प्रणाम करते हैं, अगर नमन करते हैं तो चरणों को नमन करते हैं, हाथ को नहीं, सिर को नहीं, आंख को नहीं, कान को नहीं, मुख को नहीं। ये मुख दिन भर भगवान का भजन करता है। आज तक तुम्हें ऐसा मिला कि कोई तुम्हारे यहां मेहमान आया और उसने तुम्हारे मुख को प्रणाम करा हो? नहीं, जो भी प्रणाम करेगा चरण को प्रणाम करेगा, जो भी प्रणाम करेगा वो चरणों को करेगा। क्यों? क्योंकि चरण केवल एक ऐसे होते हैं जो हमको अपनी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। इसलिए जो आपको मंजिल तक पहुंचाए प्रणाम उसको करा जाए, जो आपको मंजिल तक लेकर जाए उसको नमन किया जाता है, जो आपको मंजिल तक पहुंचाए प्रणाम उसको किया जाता है, जो आपको मंजिल तक ले जाकर पहुंचा दे प्रणाम उसको किया जाता है। हाथों को प्रणाम नहीं करते, आंखों को प्रणाम नहीं करते, श्रवण शक्ति को प्रणाम नहीं करते, मुख की वाणी को प्रणाम नहीं करते, सिर को प्रणाम नहीं करते, कंधों को प्रणाम नहीं करते, पीठ को, वक्षस्थल को प्रणाम नहीं करते, कमर को, नाभि को प्रणाम नहीं करते, जंघा को, घुटने को प्रणाम नहीं करते। प्रणाम केवल उन चरणों को करा जाता है जो चलकर मंजिल तक लेकर जाते हैं, उनको छुआ जाता है कि आपके चरण ने इतनी ऊंची मंजिल छू ली, ऐसा आशीर्वाद देना कि हम भी उस मंजिल तक पहुंच सके। इसलिए चरणों को प्रणाम करते हैं, उस मंजिल तक पहुंचे हम। महाराज, जब मंजिल को पहुंचाने वाले चरणों को हम नमन करते हैं तो हमें सुख का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है। सजावट की जिंदगी से दूर हो जाओ। बहुत सजावट की जिंदगी देखी है, कई माताएं हमारे पास में फोटो लेकर आती हैं और फोटो लेकर आकर कहती हैं, गुरुजी लड़के के लिए लड़की देखकर आई हूं, देखो कैसी लग रही है। हम 8 लोग गए थे गुरुजी, इतनी बढ़िया छोरी है, इतनी बढ़िया लड़की है। हम 8 लोग 4 घंटे बैठे गुरुजी, उसके मुंह से शब्द नहीं निकला, इतनी जोरदार लड़की है, आप देख कर बताओ कैसी है। बिल्कुल नहीं बोली गुरुजी, वो 4 घंटे में एक शब्द नहीं निकला, इतनी बढ़िया है। हमने भी कह दिया अभी नहीं बोली, जब वो बोलेगी तो तू भी डोलेगी, अभी काहे को बोलेगी, वो उसको शादी करना। सजावट में कुछ भी हो सकता है, हम सजा तो किसी को भी देते हैं, पर महाराज तीसरा क्रम है दिखावट। ये दिखावा व्यक्ति को बहुत नीचे गिरा देता है, बहुत नीचे। ऐसा दिखावा किसी काम का मत करना कि जिसमें तुम्हारी जिंदगी नरक हो जाए। बनावट, बोलो जम के, बनावट, सजावट और तीसरे नंबर पर है दिखावट। बिल्कुल मत करना मेरी जीजियों दिखावा। मेरे भाई जितने बैठे हैं, तुम्हारी दुकान में जितनी कमाई हो उतना पांव पसारना, दिखावा मत करना कि पड़ोसी ने 4-व्हीलर गाड़ी ले ली तो मैं भी ले लूंगा, कर्जा उठा लूंगा, बंगला बना लूंगा, मकान बना लूंगा, जमीन ले लूंगा, जायदाद बना लूंगा। दिखावट की जिंदगी मत जीना। जैसा परमात्मा ने तुझे बनाया है वैसी जिंदगी जीना, एक दिन नाम रोशन कर जाएगा। दिखावट की जिंदगी मत जीना, एक दिन नाम रोशन कर जाओगे। दिखावट की जिंदगी जो जीता है बाद में पछताता है, जो दिखावट की जिंदगी जी रहा होता है वो बाद में पछताता है। देखकर दूसरे को देखा, गाड़ी ले ली, दूसरे को देखा ये ले लिया, टीवी पर, सीरियल में, नाटक में, फिल्म में लड़का लड़की को, हीरो हीरोइन को देखा तो उनके जैसे कपड़े ले लिए, उनके जैसा मोबाइल ले लिया, उनके जैसा लैपटॉप ले लिया, उनके जैसा हैंडसेट ले लिया, उनके जैसा हार ले लिया, उनके जैसे कुंडल ले लिए। निवेदन है, हीरो हीरोइन को देखकर आप कपड़े ले लेते हो, हीरो हीरोइन को देखकर, नाटक वालों को देखकर, सीरियल वालों को देखकर,
तुम अपना पहनावा बना लेते हो, तो भारत में श्री स्वामी समर्थ जैसे, श्री गजानंद महाराज जैसे, प्रहलाद और ध्रुव जैसे भी भक्त हुए हैं, उनको देखकर अपनी जिंदगी क्यों नहीं जी लेते? उनको देखकर भी तो भगवत भजन कर सकते हो, उनको देखकर भी तो नाम स्मरण कर सकते हो, उनको देखकर भी तो मंत्र जाप कर सकते हो। बनावट, सजावट और दिखावट से जिस दिन हम तृप्त हो गए, जिस दिन हम छूट गए, कितना कितना दिखावा संसार में भरा हुआ है, जो दिखता है वैसा होता ही नहीं है ना। आप जैसे हो वैसे क्यों नहीं रहते? परम पूज्य राम कथा के रसिक आदरणीय प्रेम भूषण जी एक बात करते हैं, हम राम जी के हैं और राम जी हमारे हैं। हम जैसे हैं वैसे हम परमात्मा के रहे, उसमें कोई बदलाव मत लाना, कोई बदलाव नहीं। करे बनावट दुनिया करे जितनी करे, सजावट करे दुनिया जितनी करे और दिखावट करे दुनिया जितनी करे, जो रसगुल्ला खाकर शादी में जाते हैं, जब छोरा छोरी के तलाक की बात आती है या घर में परिवार में विवाद होता है, जितने लोग रसगुल्ला खाकर गए हैं वो एक भी तुम्हारे बुरे समय में खड़ा नहीं होता है। जिन लड़का लड़की का तलाक चल रहा है, अदालत में केस चल रहा है, विवाद चल रहा है दूल्हा दुल्हन का, पति पत्नी का, जिनकी शादी में 500 लोग आए थे, जिनकी शादी में 700 लोग आए थे, पूछा जाता है कितने लोगों का रिसेप्शन है, कितने लोग आएंगे, 500 आदमी का है गुरुजी, 700 आदमी का है गुरुजी, 1000 आदमी का है गुरुजी, रिसेप्शन में 500 आदमी बुलाए गए, मौसी चाची काका नाना बुआ फूफा सारे रिश्तेदार बुलाए गए। जब तुम्हारे घर में विपदा आती है, लड़का लड़की का संबंध टूटने का समय आता है, अदालत में जाकर खड़े होते हो, जिनको तुमने रसगुल्ला खिलाया, इतना बड़ा बड़ा गिफ्ट देकर भेजा, अच्छी अच्छी साड़ी दिलाकर तिलक करके लिफाफा देकर भेजा, उसमें से कितने लोग तुम्हारी विपदा की घड़ी में खड़े होते हैं? है कोई खड़ा होने वाला? जिनको लिफाफा देकर भेजा, जिनको गिफ्ट देकर भेजा, जिनको रसगुल्ला देकर भेजा, 400 रुपए की प्लेट का खाना खिलाकर भेजा, 700 रुपए की प्लेट का खाना खिलाकर भेजा, नाश्ता 300 रुपए का खिलाकर भेजा, चाय कॉफी पिलाकर भेजा, एक बेटर नौकर लगा रहा, खूब बड़ा रिसोर्ट करा, शादी में करोड़ों का खर्चा करा। जब लड़का लड़की का संबंध बेकार होता है, आपस में विवाद होता है, अदालत में बात पहुंचती है, जितने लोग खाकर गए हैं वो सब जब संबंध बिगड़ता है तब अपने अपने घर में बैठकर कहते हैं अच्छा है, होने दो, ऐसे ही होने दो, ऐसे ही होने दो, खूब उछक रहे थे, खूब हराम का आ रहा था, अब मिली शेर पे सवा शेर। लोग ऐसा कोसते हैं, तो उससे अच्छा है बड़ा रिसोर्ट करने से अच्छा है, 500 रुपए की प्लेट का भोजन कराने से अच्छा है, 500 रिश्तेदार बुलाने से अच्छा है, से गांव में जाकर गजानंद बाबा को रिश्तेदार बनाकर उसके सामने भी विवाह कर दो, किसी मंदिर में पहुंचकर भगवान के सामने विवाह करो। जब भगवान के सामने भामर पड़ेगी, भगवान के सामने संबंध होगा, ये बड़े बड़े रिसोर्टों में बड़ा बड़ा पैसा जो जाता है, ये धीरे धीरे जब कंट्रोल होने लगेगा। गरीब आदमी शादी करने में डरता है, क्योंकि एक अच्छे कुल के लड़के की जब शादी होती है, लड़की की शादी होती है, 10 तरह का मीठा बनता है, 25 तरह का नमकीन बनता है, सारी तरह के स्टॉल लगते हैं, खाते कितना हो, एक व्यक्ति कितना खाएगा, जरा सा लेगा प्लेट में खाएगा फेंकेगा, जरा सा लेगा चखेगा फेंकेगा, जरा सा लेगा प्लेट में फेंकेगा। उस बाप से पूछो जिस बाप ने एक एक रुपया जोड़ कर बैंक में जमा कर कर अपनी बेटी की शादी करी होती है, उसको मालूम होता है एक प्लेट की कीमत क्या होती है। विचार कर, ये बनावट की, दिखावट की, सजावट की जिंदगी से दूर क्यों नहीं हो रहे? कितने दिखावट में पड़े, कितने?
आज हमको बहुत अच्छा लगा, यहाँ सुबह 8 बजे से 11 बजे तक जो कथा चल रही है हमको सीखने को मिला है। इस कथा से क्या सीखने को मिला है, हम जो चीज सीखते हैं सबके सामने बता देते हैं। हमें ये सीखने को मिला कि दुनिया के लोग कहते हैं कि सियोर वाला महाराज पैसा लेता है तो उनके लिए एक सबसे सुंदर बात हो गई, तुम्हारा जो पैसा लगता है इन टेंटों में लगता है, इन लाइटों में लगता है, इन सारी चीजों में लगता है। अब आपसे हमने ये सीख लिया, जब सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो सकती है तो शाम को 5-6 बजे जब सूरज ढलने लगे तब भी तो कथा हो सकती है, तो टेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर क्या जरूरत, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आसमान खुला, मंच खुला, और उस मंच पर व्यासपीठ पर केवल शिव के ऊपर एक छोटी सी छाया, बाकी के जहां बैठो तहां बैठकर कथा का आनंद लो, अपना सुख ग्रहण करो और अपने जीवन का आनंद लो। सीखने को मिला, ये सीख है हमारे लिए कि सब कुछ हो सकता है। लोगों ने कहा था सवेरे 8 बजे अकोला में चिड़िया उड़ेगी, अकोला से 10 किलोमीटर दूर कथा, अकोला वाले ही नहीं उठते 7-8 बजे तक, तो दुकान खुलती 9-10 बजे अकोला वालों की, तो कौन आएगा कथा में। ये कल कथा में 9 लाख से ऊपर लोग थे, 9 लाख से ज्यादा, और आज भी पूरे पंडाल भरे पड़े हुए हैं यहाँ से लेकर वहां तक सब। ये तुम्हारी विश्वास को श्रद्धा है, जिसको ग्रहण करना है तो वो आएगा, जिसको पाना है वो आएगा, जिसको अपनी जिंदगी संवारना है वो आएगा। वैभव से नहीं हुआ है, करोड़ों लगा दिया, करोड़ों। कितना लगा दिया इस शरीर पर, मैंने ईमानदारी से बोलो तुमने अपने शरीर पर कितना खर्च करा। 300 रुपए का इतना बड़ा ट्यूब आता है ना जाने कौन सा, ऐसा नीचे से दमो चो क्रीम निकल के फिर ऐसे ऐसे लगा लेते हैं। इतना बड़ा साबुन लेके आते हैं 60-70-100 रुपए का, वो 15-8 दिन भी नहीं चलता खाता। 3-4 तरह का तो फेस वॉश, ऊपर से फिर इनकी स्टाइल, इनको सुधार, अपने तो है ही नहीं तो क्या खाक सुधार, जिनके थे वो सुनता। फिर धीरे धीरे नेल पॉलिश भी ऐसी नई नई डिजाइन की, पहले इधर से लाल लगा लो, आधी में नीली लगा लो, फिर उसमें सफेद ऐसे ऐसे कर दो, तब दूसरे और उन्होंने 3 बार फूंक मारो, कहां की जिंदगी है। हम तो कई लोगों से कहते हैं जितना समय तुम दर्पण के सामने निकालते हो ना उसमें से आधा समय भी भोलेनाथ जी के पास निकाल लो, जिंदगी समझ जाए, समझ गई। जितना दर्पण के सामने खड़े हो, जितनी देर तुम दर्पण के सामने अपना जीवन निकालते हो, दर्पण के सामने आप 5 मिनट खड़े हो श्रृंगार कर रहे हो, 5 मिनट में से 2.5 मिनट आप भोलेनाथ को दे दो, बस वो उत्तर। और ये श्रृंगार और श्रृंगार में अंतर देख लेना, क्रीम की चमक 6 महीने 8 महीने 4 महीने 2 दिन 15 दिन रहती है, अच्छे कर्म की चमक मरते दम तक रहती है, मरते दम वो चमक खत्म नहीं हो। कई कई ऐसे भी हैं जिनको व्यासपीठ में बैठने से पहले बहुत सारा मेकअप की भी जरूरत पड़ती है, कई लोग इस पे भी बैठते हैं तो उससे पहले पार्लर मार्लर वाले भी आके उनका ट्रीटमेंट करते हैं, तब वो फिर व्यासपीठ पे पहुंचे, फिर स्टाइल में खूब जोरदार कथा। अब ये तो शंकर जी की कथा है, शंकर जी की कथा ऐसी होती है कि कहीं पे भी शंकर जी जैसे बैठे हैं, एक माँ एक जीजी शंकर जी का भी श्रृंगार करके गई, चंदन लगाया, बेलपत्र लगाई, फूल लगाई, इतनी देर में दूसरी आ गई ले ढोल के बच्चे। अब यहाँ तो शिव जी की कथा कह रही है सरल सहज,
इतने सरल, कभी भी कोई आएगा और पानी ढोलकर चले जाएगा, कभी भी कोई आएगा एक लोटा जल चढ़ा के चले जाएगा। तो यही तो शिव पुराण कह रही है, कभी भी यमराज आएगा उठा कर ले जाएगा, तुम कितने भी सच कर बैठ जाओ। शिव कथा कह रही है, वो तैयार करिए, श्रृंगार करिए, सजाई, उसके बाद कोई आई सिर पे पल्लू लिया, श्री शिवाय नमस्तु, और ये बेटी देखती रह गई, उसका मुंडा देख रही, अब भी तैयार करा भगवान का, अब भी श्रृंगार करा, तो वो जो खड़ी थी वो भी कमी थी, दुपट्टा बांध के आई थी, अभी तुमने श्रृंगार करा ना, अब मैंने हिलाया, अब मैं श्रृंगार कर दूंगी, तू हट, और वो भी सजा दल जान। जैसे बस बाहर निकली, इतने में छोटा सा बच्चा आ गया, फिर उंडेल गया, समय नहीं शिव के जल का, भजन का कोई समय नहीं होता, भगवान को रिझाने का कोई समय नहीं होता, शंकर भगवान के मंदिर जाने का कोई समय नहीं होता, शिव को रिझाने का कोई समय नहीं होता, उसी तरह मौत का भी कोई समय नहीं होता, कभी भी आ जाती है, किसी भी पल, किसी भी घड़ी, किसी भी क्षण आ जाती है। आप दिखावट की जिंदगी से दूर क्यों नहीं होते? अरे जैसे हो ना वैसे रहो, जैसे हो वैसे रहो, को मस्त जिंदगी जियोगे। जो दिखावट की जिंदगी में जीता है वो आधा घंटा भी सुकून की जिंदगी नहीं जी पाता। शादी में तुम देखना कितना सज-धज के लोग आते हैं, शादी के अंदर कितना सज-धज के आते हैं, साड़ी में पिन भी लगाएंगे, जोड़ा भी लगाएंगे, लाइन भी खींचेंगे, डब्बा भी भरेंगे, कलर भी लगाएंगे, सब कुछ लगाएंगे, और शादी में गए और मालूम पड़े ये आकोला जैसी गर्मी पड़ जाए तो सारा दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। काजल भी ऐसा फैला किए काम का पूरा, क्या क्या विचार कर। इसीलिए शिव पुराण बड़े भाव को व्यक्त करते हैं, दिखावट की जिंदगी से दूर हो जाओ, बनावट की जिंदगी से दूर हो जाओ, सजावट की जिंदगी से दूर हो जाओ। हम आपसे ये कभी नहीं कहेंगे कि अपना घर परिवार छोड़ दो, हम इतना जरूर कहेंगे उनके साथ में रहो, उनके साथ। पहाड़ पर बैठकर कोई भी तप कर सकता है, पहाड़ पर बैठकर कोई भी संत बन सकता है, गंगा यमुना सरयू कावेरी मंदाकिनी के तट पर बैठकर कोई भी तप कर सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा तप होता है गृहस्थाश्रम में, घर में चार लोगों के बीच में रहकर अगर तुम्हारा धैर्य पक्का है, तुम्हारे मुख पर गाली नहीं आ रही, अपशब्द नहीं आ रहे, क्रोध नहीं आ रहा, तो समझ लो कि तुम्हारे बराबर दुनिया में कोई तपस्वी नहीं है, कोई योगी, कोई साधक नहीं है। पर्वत पे बैठकर तो कोई भी तप कर सकता है, पहाड़ पे बैठकर तो कोई भी भजन कर सकता है, तुम्हें अकेले बिठा दो भजन में तो तुम बैठे हो तप करने के लिए, गंगा के घाट पर, भूमि पर, पृथ्वी पर, कहीं आकाश में, जहां तुम्हारी मर्जी पड़े, पर्वत के ऊपर, जहां तुम्हें बिठाया जाएगा, अकेले बैठकर तप कर लोगे। सबसे बड़ा तप होता है घर में, माँ दे रही है, पिताजी दे रहे हैं, भाई दे रहा है, बहन दे रही है, भाभी दे रही है, रिश्तेदार दे रहा है, परिवार दे रहा है, और उन परिवार के साथ रहकर भी तुम्हारे चेहरे पर स्माइल है, तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता है, क्रोध नहीं, अपशब्द नहीं, गाली नहीं, ताने नहीं, आड़े तेड़े शब्द नहीं, जरा सा क्रोध आया, जरा सा टेंशन आया, जरा सा डिप्रेशन आया और तुम्हारे मुख से कुछ ना कुछ निकलने लगा, तो तुम्हारा जीवन बेकार है। सबसे बड़ा तप, सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थाश्रम होता है, घर में रहकर अगर आप हमेशा स्माइल देते रहते हो तो समझ लो कि आपको ढूंढने परमात्मा को नहीं जाना, परमात्मा आपको ढूंढने के लिए आएगा। आप घर में रहकर इतने प्रसन्न क्यों नहीं रह पाते, इतने खुश क्यों नहीं रह पाते, आपकी प्रसन्नता कहां जा रही है, आपकी स्माइल कहां जा रही है? हम बस बनावट में, सजावट में और दिखावट के चक्कर में इतने डूब गए कि हमारे चेहरे की स्माइल चली गई,